नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, आपके घर में कोई भी किसान टॉर्च का चार्जर हो वो ख़राब पड़ा हुआ हो तो उसको घर बैठे आप मात्र 5 रुपये में कैसे सही करें। तो दोस्तों, उसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, मेरे हाथों से मैं उसको सही करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो किसान टॉर्च के जो चार्जर होते हैं, 6 वोल्ट 4 वोल्ट के जो चार्जर होते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसको घर बैठे आप सही कैसे करें। ख़राब हो गया हो तो उसको फेंकना मत, क्योंकि दोस्तों लगभग 70-80 रुपए का चार्जर आता है, मात्र आप 10 रुपए में घर बैठे सही कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि जैसे एडेप्टर है, ये एडेप्टर ख़राब हो जाता है तो एडेप्टर ही चेंज होगा, अगर ये ख़राब हो जाती है तो ये ही चेंज होगी। तो दोस्तों, ऐसा संभव है, क्योंकि दोस्तों ये अलग आती है, ये अलग इसका सामान है वो मिल जाता है। अगर इसका डायोड वगैरह अंदर के मैं खोल के बताऊंगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायोड वगैरह चल जाए तो इसकी प्लेट आ जाती है अंदर के, मतलब जो भी सामान है वो मिल जाता है मार्केट में, बिल्कुल कम दामों में मिल जाता है। 10 रुपये में आपके जो भी किसान टॉर्च चार्जर है उसको सही कैसे करें, जो भी ख़राब हो गया उसको फेंकना मत, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उसको अपने हाथों से सही करके बताऊंगा, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये चार्जर है ख़राब है, तो सबसे पहले किसान टॉर्च आपको सामने रखी हुई है, ये किसान टॉर्च को देखेंगे हम इस चार्जर को लगा के कि यह चार्जर होती है या नहीं। तो दोस्तों, ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि चार्जर में लाइट तो आती है, इंडिकेटर तो जलता है, लेकिन दोस्तों जो चार्जर है वो नहीं करती है। जैसे मैं आपको बता दूँ, इसको मैंने लगा दिया, इसको लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर जल रहा है। अब किसान टॉर्च के इसमें लगाते हैं हम, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा चार्जर लग रहा है, लेकिन दोस्तों इस किसान टॉर्च का इंडिकेटर वो नहीं जल रहा है। कोई सी भी आप किसान टॉर्च ले लो, लेकिन दोस्तों एडेप्टर तो सही है, लेकिन इसकी जो केबल है वो ख़राब हो चुकी है, मतलब पिन लगा लो, पिन ख़राब हो चुकी है इसकी अंदर की, तो पिन तो आती नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी जो पूरी वायर है इसको हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों, किसान टॉर्च को रिपेयर करना मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों आपके काम की चीज़ें मात्र 10 रुपये में आप किसान टॉर्च के चार्जर को सही कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहना, इस चार्जर को मैं ठीक करके आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चार्जर का जो डिब्बा है, यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा मैंने इसको खोल लिया है, इसका ढक्कन खोल लिया, तो अंदर से आपको कुछ प्रकार से दिख रहा होगा, अंदर डायोड वगैरह जो भी आते हैं, परिपथ वगैरह वो आते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे ये जल जाते हैं डायोड, तो डायोड लग जाते हैं, प्लेट भी पूरी मिल जाती है इसकी, और कई बार क्या होता है, ये इंडिकेटर या जलना बंद हो जाता है, लेकिन चार्ज करती है तो ये इंडिकेटर भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो ये चार्जर में प्रॉब्लम है, ये डोरी की है, जो वायर लगा हुआ है ये ख़राब है, तो इसको हम नया लगाएंगे, नया मार्केट में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इसको हम सबसे पहले इसके जो टांके हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो टांके हैं पीछे से वो कुछ प्रकार से दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले सफ़ेद और लाल वाला जो टांका है, तो यहाँ पर हम उनको टांका लगाना है, और इसकी जगह नया वायर मैं आपको बता देता हूँ, नया वायर है, आपको कुछ प्रकार से दिख रहा होगा, ये नया वायर है। तो इसके काला और जो लाल है इसको हम लगाएंगे, लाल का लाल की जगह और सफ़ेद है उसकी जगह हम काला लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहना, सबसे पहले दोनों टाँकों को उठा लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये टाँका लगाने के आयरन की मशीन, इसको गर्म कर लेते हैं, तो इसको बोर्ड में लगा देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं, और दोस्तों इसको हम हटा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जो वायर था हमने उठा दिया था, एक तो ये वाला यहाँ था और एक यहाँ था, तो दोनों को मैंने उठा लिया है। तो अब इसकी जगह हम नया वायर लगाएंगे। तो दोस्तों, मशीन गर्म हो चुकी है, आपको कुछ प्रकार से दिख रहा होगा, अब इस पेस्ट मैंने लगा लिया है, अब इसके माध्यम से हम यहाँ पर टाँका लगाएंगे। सबसे पहले जो लाल वायर है उसको हम लगा लेते हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लाल वायर हम टच कर देते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लाल वायर हम लगाएंगे। तो लाल वायर लगा लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहना।
दोस्तों आपको दिख रहा होगा लाल वायर का टांका हमने लगा लिया, अब जो काला वायर है उसको हम टांका इसमें लगाएंगे, दोनों कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको हम कर देते हैं सबसे पहले कनेक्ट और फिर आपको मैं बताता हूँ चार्ज होता है या नहीं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोनों जो वायर हैं ब्लैक रंग का रेड रंग का दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों जैसा हमने खोला था वैसे हम जुड़ लेते हैं सब। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके भी दोस्तों अगर ये ख़राबी होती है तो आप ऐसे ही जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है दोस्तों जो प्लस माइनस है मतलब लाल वायर जहाँ लग रहा है वहीं लगाना आप और काला वायर जहाँ लगना था वहीं लगाना है। तो दोस्तों इसको हम जुड़ लेते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि ये किसान टॉर्च चार्ज कर रही है या नहीं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा जैसे हमने खोला था वैसे हमने जुड़ लिया है। अब दोस्तों सामने किसान टॉर्च आपको दिख रहा होगा इसको मैं चार्ज करके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं चार्ज करती है नहीं, तो इसको हम बोर्ड में लगा लेते हैं और स्विच को ऑन कर रखा है मैंने। अब दोस्तों किसान टॉर्च में इसको हम लगाएंगे, तो इसको हम लगा लेते हैं और फिर आपको बताऊंगा कि ये चार्ज करती है नहीं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो किसान टॉर्च है वो चार्ज हो रही है, मतलब चार्ज है उसको हमने सही कर दिया है। तो दोस्तों आपके घर बैठे भी आप मात्र 10 रुपये में किसान टॉर्च का चार्जर होता है एडाप्टर होता है उसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।